की प्रारंभिक औपचारिकता के बाद प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर कहा था कि मैं नीचे बैठूंगा, मैं प्रेक्षकों के साथ बैठूंगा, क्योंकि मुझे पुरस्कार स्वीकार करना है जन सामान्य के रूप में। He didn't want to receive the award from the exalted perch of a PM, but only as a common citizen. इसलिए इस असाधारण अलंकरण लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए मैं अनुरोध करता हूं सामान्य भारतीय नागरिक श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे ये पुरस्कार स्वीकारें। आप ये भी शायद जानते ही होंगे के औपचारिक अभिवादन के अलावा हमारे प्रधानमंत्री कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं करते, लेकिन सारे देश की दीदी भारत रत्न लता मंगेशकर के लिए उन्होंने ये अपवाद स्वीकारा है। अगर यहां बैठे कोई फिल्मकार फिल्म बनाना चाहें तो शीर्षक हो सकता है फिर से भाई हो तो ऐसा। देवियों सज्जनों, ऐसे जटिल कार्यक्रमों की तैयारियां बड़े नियोजित ढंग से की जाती हैं। इवेंट मैनेजमेंट के सिद्धांतों के अनुसार मिनट टू मिनट सूची तैयार की जाती है, किसे कब आना है, कितने मिनट तक बोलना है। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी